हमारा पहला मैक्सिम है इग्नोरेंस शे ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूज एट, जिसका मतलब है इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड। अगर आप कोई मिस्टेक लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो दैट कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कल न्यू ट्रैफिक रूल्स आए थे और आपने आज ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया एंड आपका चलान बन जाता है। आप फिर कोर्ट में ये प्लीड करते हो कि मुझे पता ही नहीं था कि न्यू रूल्स आए हैं, न्यू लॉज आए हैं। नहीं, आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते, कोर्ट विल नॉट एंटरटेन यू, क्योंकि कोर्ट ये अज्यूम करके चलती है कि हर सिटीजन को लॉज के बारे में पता होगा। इसीलिए आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि आपको लॉ नहीं पता था। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लो आप किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हो और वहाँ का लॉ ये कहता है कि आप 2 kg से ज़्यादा गोल्ड कैरी नहीं कर सकते और आप लेकर जाते हो 5 kg सोना यहाँ से। आपको एयरपोर्ट पे कस्टम वाले पकड़ लेते हैं और आप फिर ये डिफेंस प्रेजेंट करते हो वहाँ पर कि मुझे पता ही नहीं था इस कंट्री के लॉ के बारे में, लॉज के बारे में। नहीं, आप ये नहीं बोल सकते, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड। अगर आपने कोई लॉ वायोलेट किया है तो आपको उसकी पनिशमेंट मिलेगी, फिर चाहे आप फॉरेन कंट्री में हो या फिर इंडिया में। हमारा दूसरा मैक्सिम है इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजर। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज्ड। अगर आप कोई मिस्टेक फैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो तो आपको तो वो एक्सक्यूजेबल है। मतलब मान लो आप अपने फ्रेंड के घर जाते हो अपना लैपटॉप लेकर कुछ भी काम करने के लिए, और आपकी और आपकी फ्रेंड का लैपटॉप सिमिलर है। वापस घर जाते वक्त आप अपना लैपटॉप समझकर अपनी फ्रेंड का लैपटॉप उठा के ले आते हो, तो यहाँ पे जो मिस्टेक हुई है ना वो फैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हुई है। यहाँ पे एक फैक्ट की मिस्टेक हुई है, लॉ की मिस्टेक नहीं हुई। तो फैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मिस्टेक कर रहे हो तो वो एक्सक्यूजेबल है। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो आप हंटिंग करने के लिए गए हो और आपको झाड़ियों के पीछे से आवाज आती है, आपको लगता है जानवर है और आप हड़बड़ाहट में गोली चला देते हो, बट एक्चुअल में उन झाड़ियों के पीछे होता है एक आदमी और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे जो आपसे मिस्टेक हुई है ना वो फैक्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हुई है। आपको लगा जानवर था और आपका कोई इंटेंशन ही नहीं था उस आदमी को मारने का। तो इसीलिए जो अगर मिस्टेक कोई फैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है तो वो एक्सक्यूजेबल है। और वहीं पर जो हमने पहले पढ़ा कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड, मिस्टेक लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से है तो वो एक्सक्यूजेबल नहीं है। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। थैंक यू।